तो आज हमारे घर में कबीर के उठने से पहले, स्कूल जाने से पहले ही दिन शुरू हो गया है। हमारी नूर जो है वो उठ के बैल्कनी में उसने अपना जू लगा लिया है और सारे एनिमल्स के साथ खेल रही है। उसका फेवरेट आजकल हॉर्स है, हॉर्स को खाना भी खिलाती है, सब कुछ करती है और ओ ओ ओ करके बहुत सारी बातें करती है। उसको एनिमल गेम खेलना है। अच्छा देख रही है शीशे में, देखो सामने अपने शीशे में देखती रहती है ग्लास में। नो नो टेल डैडी वेयर इज कैमल, वेयर इज कैमल, वेयर इज कैमल, वेयर इज कैमल। ये वेरी गुड। नो टेल डैडी वेयर इज स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, वेयर इज स्पाइडरमैन। ये समाओ ये नूर का अपने आप ही एक मॉर्निंग रूटीन बन गया है कि वो कप्पू को स्कूल छोड़ने जाती है। बहुत एक्साइटेड हो जाती है देख के कि सौरभ और कप्पू रेडी हो रहे हैं और वो जाएगी। आपके बारे में बात कर रही हूँ, 6:30 बजे ना स्माइल करने लग जाएगी क्योंकि ये उठे हैं और मेरा घूमने का टाइम लेके चलो। नूर का मॉर्निंग रूटीन पार्ट 2, स्कूल से आने के बाद, छोड़ के आने के बाद उसको सौरभ के साथ यहाँ आना है और ये झूला करना है। एक स्पीड है जो सौरभ यहाँ फॉलो करते हैं जिससे उसको इस झूले में बहुत मज़ा आता है। अगर यही मैं करूँगी तो वो 2 सेकंड में बोल देगी कि मामा मुझे बाहर निकाल लो। बेसिकली करेज, हाँ शायद उसको मेरे में डर दिखता है पर मेरे साथ वो बिल्कुल नहीं बैठती है। सौरभ के साथ वो आधा घंटा इस पर बैठ सकती है। सो ये डैडीज शुड डेफिनेटली पार्टिसिपेट मोर इन बेबी केयर, दैट इज द बॉटम लाइन। Hi guys, welcome back to Momcom India Vlogs. I hope everybody is doing fine. Please मेरे लुक को इग्नोर कर देना, मैं सुबह 6:30 से उठी हुई हूँ इवन ऑन अ हॉलीडे बिकॉज नूर वॉज वेरी एक्साइटेड और वो अपने रूटीन के अकॉर्डिंगली सुबह सुबह उठ गई थी और वो इतनी छोटी है कि उसको भी समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज कबीर की छुट्टी है तो आप सो जाओ। नो, उसके लिए इट्स अ हॉलीडे, गेट अप एंड गेट द डे स्टार्टेड। कबीर काफी लेट उठा बिकॉज ही वॉन्टेड टू रिलैक्स, विच यू नो इज अ गुड थिंग बिकॉज सैटरडे संडे भी उसकी स्पोर्ट्स अकेडमी होती है जिसके लिए वो 6:30 बजे उठ जाता है। तो प्रैक्टिकली पूरे 7 डेज वो 6:30 ही उठता है, उसको एक वो ब्रीदर नहीं मिलता है टू वेक अप लेट। सो इट वॉज नाइस टू सी हिम स्लीप एंड रिलैक्स। तो सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीबडी। यू नो छोटी सी चीज आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द कंट्री दैट आई लिव इन। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड देर इज नो रीजन फॉर मी टू गो आउटसाइड एंड स्टे आउटसाइड। अगर आप करना चाहो तो यहाँ पे भी आप अपने लिए बहुत कुछ बना सकते हो एंड दैट फीलिंग ऑलवेज स्टेज इन अस। और हमें वो फीलिंग अपने बच्चों के लिए भी लगती है, यू नो समहाउ वी फील दैट हम कबीर और नूर को कभी पुश नहीं करेंगे कि आप बाहर से जाके एजुकेशन करो, आप बाहर ही जाके जॉब करो। सो दैट माइंडसेट वी विल नॉट हैव। वो जैसे अपना फ्यूचर बनाना चाहें वो बनाएं, हम अपनी तरफ से सिर्फ उनको राइट अपॉर्चुनिटीज और राइट एक्सपोजर देना चाहते हैं ताकि वो जहां भी रहें वो अपने लिए कुछ अच्छा कर सके। इसी के साथ अब मैं जाती हूँ नूर के पास क्योंकि उसके अंदर से आवाज आ रही है, वो नहा रही है। बाय द वे गाइस, वेदर इतना ज्यादा ह्यूमिड है कि हम इस टाइम पे उसको 2 बार बाथ देते हैं और अभी भी हम कभी कभी उसे पूल ले जाते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग में इसका बाथ होता है तो मैं जाके देखती हूँ अभी बाथ में क्या कर रही है। गाइस क्योंकि नूर के नहाने की बात हो रही है तो मुझे एक प्रोडक्ट को बहुत अप्रिशिएट करना है, दैट इज ममा अर्थ मिल्की सॉफ्ट हेड टू टो वॉश फॉर बेबीज। ये एक प्रोडक्ट 2-in-1 प्रोडक्ट का काम करता है। आप इसे सिर पे लगाइए शैम्पू के लिए और बॉडी पे लगाइए बॉडी को क्लेंस करने के लिए। बहुत जेंटल फॉर्मूला है। जब मैं नूर के बाल इससे धोने के बाद टच करती हूँ ना, इतने सॉफ्ट, इतना अच्छा टेक्सचर फील होता है दैट आई फॉल इन लव विद हर हेयर। वो 2 दिन तो उसके बाल बहुत ही अच्छे लगते हैं जब तक स्वेट वगैरह नहीं आता और फिर से धोने की बारी नहीं हो जाती। एंड बॉडी को भी ना ये एक मॉइस्चराइजिंग बाथ देता है। मतलब टिपिकली क्या होता है, हम बच्चों को नहलाते हैं, बच्चों की बॉडी काफ़ी ड्राई फील करती है, इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये पीएच बैलेंस्ड है, टियर फ्री फॉर्मूला है, बच्चों की सेंसिटिव स्किन को ध्यान में रख के इसमें मिल्क, ओट्स और कैलेंडुला का फॉर्मूला डाला गया है ताकि बच्चों की स्किन में जो भी इन्फ्लेमेशन, इचिंग, रेडनेस, यू नो इस मॉनसून सीजन में ऐसा काफ़ी हो जाता है, वो सब ये सूद कर सके। तो मुझे इसके रिजल्ट्स नूर पे भी अच्छे लगते हैं, कबीर पे भी बहुत अच्छे लगते हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद इट। 0+ ईयर्स पे आप इसे यूज़ कर सकते हो, मतलब न्यूबॉर्न स्टेज से लेके 10 साल तक आप आराम से बच्चों के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। एवरीथिंग इज नेचुरल, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है,
तो मेरी तरफ से तो इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली हाई फाइव है। बहुत ही कन्वीनियंट है यूज़ करना, क्योंकि आपको अलग प्रोडक्ट बालों के लिए, अलग प्रोडक्ट बॉडी के लिए नहीं यूज़ करना पड़ा। डू ट्राई इट आउट। ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, ममाद की वेबसाइट, ममाद के ऐप, हर जगह अवेलेबल है। मैं लिंक्स डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट अगर आप ममाद के ऐप या वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट लो तो प्लीज मेरा कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, मॉमकॉम 2023, और 20% एडिशनल डिस्काउंट इंजॉय करिएगा। वैसे ये रिटेल स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, सो डू ट्राई इट आउट बिकॉज आवर बेबीज डिजर्व दैट सॉफ्ट सेंसिटिव स्किन। नाउ कॉल क्या हुआ? कौन है? नानू? किसके नानू आ गए? नानू है। किसके नानू आ गए? मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। नू नानू, नूरू, आप जरूर वेट करिए क्योंकि कपूर और सौरभ आ गए घर, तो पर ऐसे ही वेट करती वी आर बैक टू मॉमी ड्यूटीज। शाम का टाइम है, नूर खेल चुकी है तो उसको पार्क में एक राउंड दे रही हूँ। और यार हमारी फेस्टिव स्पिरिट को क्या हो गया, आप दूर दूर तक देखोगे ना कहीं पे भी पतंग नहीं दिख रही है नोएडा में। इनफैक्ट इस बार तो हमें कोई मिला ही नहीं जहाँ से पतंग मिले, नहीं तो हम कभी तो हर साल ज़रूर कराते हैं। सद्भावना दिवस। एक बार लास्ट टाइम बोल दो, बोल दो ना कबू हमारे लिए। स्टार्ट। हम लोग हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाते हैं। सद्भावना का मतलब है दूसरों के लिए अच्छा सोचना। वेरी गुड कबीर। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, कबीर की मैम का फ़ोन आता है 8 बजे, जब कबीर ऑलमोस्ट सोने लगा था, कि कल स्कूल में असेंबली है और एक बच्चे ने ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 लाइंस बोलनी थी और वो बच्चा शायद नहीं आएगा बिकॉज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और हम सिर्फ कबीर के बारे में सोच सकते हैं कि वो पिचिन करे और लास्ट मिनट ये लाइन्स याद करके आए। तो कबीर ने बोला मैं करूंगा डेफिनेटली, उसने याद किया एंड ही इज रेडी एंड मम्मा इज वेरी प्राउड ऑफ हिम। गुड जॉब कबीर, ऑलवेज स्टेप अप। ऑलराइट, वेयर इज फैन, वेयर इज फैन, वेयर आर, यस गुड जॉब। वेयर इज नूर, वेयर इज नूर, वेयर आर यू, वेयर इज नूर। अरे नूर, कब को बता दो, वेयर आर आर्म्स, वेयर आर आर्म्स, आई डोंट नो वेयर आर आर्म्स। मुझे पता था तुम दोनों मिलके इसको पिलो फाइट सिखाओगे ही सिखाओगे, एक दिन ऐसा आएगा। गाइस इतनी हंसी आ रही है, वो बेचारी सोच रही है मेरे साथ खेल रहे हैं। ये देखो, देखो 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 बेटा, ये खेल नहीं रहे हैं, मानो खेल ही तो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखो वो कह रही है चलो कोई बात,
इतनी सीधी बच्ची है मेरी। सुधर पूछो, पूछो, पूछो।